सबसे पहला मिस गाइड आपको बता दूं गाइस, बहुत से लोग आपको प्रमोट कर देते हैं गवर्नमेंट जॉब को लेके। गवर्नमेंट जॉब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब खराब है, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं, इस समय जो सिविल इंजीनियरिंग में ओपनिंग्स निकल रही है गवर्नमेंट में, आप थोड़ा सा उसको एक कैलकुलेशन ले लीजिए और उसके बाद कैलकुलेटर आपके पास होगा, जस्ट उसके बाद देख लीजिए कितने लोग उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। गारंटी देता हूँ कि हार्डली एंड हार्डली आपको बताऊं तो 0.1% लोगों के अकॉर्डिंग सीट होगी। आपके पहली मिस गाइडेंस क्या है गाइस कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ हमें जाना है, क्योंकि वहां पर जॉब सिक्योर है। कितने की? 35,000 की, 40,000 की, 50,000 की, 55,000 की, यही तो सैलरी है। ठीक है, हम कहते हैं 1,00,000 है, ठीक है, 1,00,000 के ऊपर तो नहीं है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हो दोस्तों, मैं हूं पटेल, आप देख रहे हैं सेल्फ फीलिंग गाइस। आप में से बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका अपने कैरियर के अंदर गैप हो जाता है, ड्यू टू मेनी मेनी रीजंस आपके कैरियर में गैप हो जाता है। उसके साथ ही साथ गाइस कई बार ऐसा होता है कि आप कैरियर तो स्टार्ट कर देते हो, बट उस प्लेटफॉर्म पे नहीं करते, उस तरफ नहीं करते जिधर आपको कैरियर को बनाना है। जैसे कि कई लोग क्वालिटी में गए, 2-3 साल जॉब किया, उनको समझ में आ गया यहाँ पर कहाँ तक हम जा सकते हैं। कुछ लोग साइट पर गए, कुछ दिन तक काम किया, उनको समझ में आ गया कि हमारे जो बॉस है वो कहाँ तक गए हो, तो हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, फिर वो कम बैक करते हैं। कुछ लोगों को कैरियर में गाइस मिसलीडिंग कर दिया जाता है, मिस गाइडेंस दे दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका कैरियर खराब हो जाता है। सबसे पहला मिस गाइड आपको बता दूं गाइस, बहुत से लोग आपको प्रमोट कर देते हैं गवर्नमेंट जॉब को लेके। गवर्नमेंट जॉब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब खराब है, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं, इस समय जो सिविल इंजीनियरिंग में ओपनिंग्स निकल रही है गवर्नमेंट में, आप थोड़ा सा उसको एक कैलकुलेशन ले लीजिए और उसके बाद कैलकुलेटर आपके पास होगा, जस्ट उसके बाद देख लीजिए कितने लोग उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। नंबर ऑफ फॉर्म से बहुत अच्छे से परसेंटेज निकल जाएगा। मैं गारंटी देता हूं कि हार्डली एंड हार्डली आपको बताऊं तो 0.1% लोगों के अकॉर्डिंग सीट होगी। अगर 10,00,000 लोग हैं तो देखिए कितनी ओपनिंग निकली हुई है, इवन मोर देन दैट ज्यादा लोग हैं क्लियरली, तो ये बताऊं तो कुल मिलाकर पहली मिस गाइडेंस क्या है गाइस कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ हमें जाना है, क्योंकि वहां पर जॉब सिक्योर है। कितने की? 35,000 की, 40,000 की, 50,000 की, 55,000 की, यही तो सैलरी है। ठीक है, हम कहते हैं 1,00,000 है, ठीक है, 1,00,000 के ऊपर तो नहीं है ना। ठीक है, तो सबसे बड़ी मिस गाइडेंस होता है गाइस, उनको बोल दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब करिए। ऑल रिस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, जो लोग आपको प्रमोट कर रहे हैं, पहले आप खुद की कैपेबिलिटी को चेक करिए गाइस। किसी के कहने पर हाँ हाँ उसने बोला गवर्नमेंट जॉब मुझे करना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, वो क्या बोलते हैं, किसी भी प्रोफाइल में हो सकता है, मुझे भी अपना करियर में गवर्नमेंट दिया उनका समय और अपना समय थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद नंबर ऑफ ओपनिंग्स देख लीजिए, उसके बाद मोदी जी की कृपा देख लीजिए कि कितनी ओपनिंग्स क्लियर हो रही है आपकी, ठीक है जी। तो इसके बाद आप दिमाग लगाइए कि वहां जाना है कि नहीं जाना है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात क्या है इसकी, अगर आप सॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आप 90% प्लस मार्क्स गेन करने की कैपेबिलिटी रख रहे हैं, आप 2-1 साल लगा दीजिए। अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि 90% के ऊपर हमारा मार्क्स आए सॉल्व पेपर के अंदर, क्योंकि सॉल्व पेपर तो अवेलेबल है, तो आप ईमानदारी से खुद से मान लीजिए कि गाइस ये मेरे लिए नहीं है। जो कंपटीशन का लेवल है 80% तो आपको कम से कम आना ही चाहिए, उसके बाहर तो आप पूरी तरीके से आउट ऑफ बाउंड्री है, तो गलती क्यों करना। पहली मिस्टेक ये होता है गाइस कि लोग आपको प्रमोट कर देते हैं किस चीज के लिए, गवर्नमेंट जॉब को लेकर। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा खराब है, आप कैपेबिलिटी चेक करो, ठीक है, कैपेबिलिटी है तो लगो कितना, 1 साल 2 साल 3 साल, इससे ज्यादा अगर करियर में आप दे रहे हो तो फिर आप खराब कर रहे हो अपने करियर को। पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक जो गाइस सबसे ज्यादा लोग करते हैं वो होता है मिस गाइडेंस। ठीक है, मिस गाइडेंस में क्या होता है गाइस, जनरली लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर रायचंद इतने ढेर सारे पड़े हुए हैं कि आप पूछिए मत। ठीक है, और रायचंद कौन है, जिन्होंने कभी चाय पिया नहीं, पीते हैं कॉफी और बताते हैं चाय का स्वाद। ठीक है, मतलब मेरे पास कई बच्चे फोन करते हैं, सर वो मेरे भैया ने बोला कि स्ट्रक्चर में कोई स्कोप नहीं है, स्ट्रक्चर में मत जाओ। तो बोलते आपके भैया करते क्या है, बैंक में पीओ है सर। भैया पीओ साहब को क्या पता कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में क्या स्कोप है। भैया ऐसे लोगों से थोड़ा बच कर रहे, कितने भी क्लोज आपके वो रिलेटिव हो उनसे बच कर रहे। आपको अगर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का स्कोप देखना है, आप लिंक्डइन पर जाइए, जो टॉप स्ट्रक्चर फर्म्स हैं उनकी लिस्ट में अभी दिखा देता हूँ कहाँ से देखना है, लिस्ट पर जाइए और देखने के बाद उनके एम्प्लॉयज से जस्ट डायरेक्ट चैट करिए, उनके बारे में पढ़िए, उनसे पूछिए कि सर क्या आपकी सैलरी नहीं बताएंगे, सर हमें क्या सैलरी एक्सपेक्ट हो सकती है, 5 साल में हम कहाँ पहुँच सकते हैं, उनसे गाइडेंस लीजिए। ये रायचंद लोगों से मत लीजिए, जो खुद से दे उनसे तो बिल्कुल मत लीजिए। हाँ, जिनसे ले रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिए
वो क्या उसी फील्ड से है? नहीं है तो भैया उनसे बच कर रहने, तो ये मिस गाइडेंस में आपका 3-4 साल बर्बाद करवा देंगे। तो ये दूसरा मिस्टेक होता है गाइस, जो मैंने देखा है जनरली लोगों के साथ, ठीक है। तीसरी मिस्टेक जो होती है गाइस, वो मिस्टेक होती है आपके पास आपके कॉलेज से। कॉलेज से हम लोग को भी अगर बताऊं गाइस, तो केवल केवल एक प्रोफाइल के बारे में हम लोग को जानकारी दिया गया, दैट इज कॉल्ड साइट इंजीनियरिंग। आपको भी पता होगा सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कितने करियर ऑप्शंस है भैया। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपका क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग आ रहा है, बीआईएम इंडस्ट्री आ रहा है, प्रीकास्ट आ रहा है, पीईबी आ रहा है, जीपीएस आ रहा है, सर्वे आ रहा है, क्वालिटी आ रहा है, हमें कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता है, एस्टिमेशन आ रहा है, बिलिंग आ रहा है, ठीक है, और हमें केवल केवल साइट के अलावा कुछ पता ही नहीं। तो ये कॉलेज के, ड्यू ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द टीचर्स, बट मैं टीचर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी करियर के नए नए ऑप्शंस को देखिए और अपने बच्चों तक पहुंचाइए। अगर केवल एक ऑप्शंस आप उनको दिखाते रहेंगे तो उनके भी दिमाग में वही पर्दा पड़ गया, ये चश्मे का खेल है गाइस। तो आप जब अपने आप को अपडेट रखेंगे, मैं अभी पुणे के बहुत बड़े टॉप, या बोलिए सबसे टॉप कॉलेज में गया था, उस कॉलेज पे मैंने बीआईएम का नाम लिया। टीचर्स को बीआईएम का कोई आइडिया ही नहीं कि उसमें कैसे करियर बनाना है, क्या लर्निंग लेना है। स्ट्रक्चर का थोड़ा बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन लोगों के दिमाग में डाल दिया था बिना एमटेक के स्ट्रक्चर कर ही नहीं सकते। भैया बिना एमटेक के स्ट्रक्चर कर सकते हो, एंट्री लेवल जॉब बीटेक लेवल पर होती है मेरे दोस्त, ठीक है। आप आराम से करिए, मैं आपको भी दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कहाँ पर बीटेक लग रहा है, कहाँ पर एमटेक लग रहा है, खुद ही देखना। ये वीडियो लंबी बनेगी, बस इसका ध्यान देना। तो अब चलिए फटाफट टॉपिक पर आते हैं कि सबसे पहले जो करियर गैप, उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना है गाइस। सबसे पहला काम आपको स्किल डेवलपमेंट करना है। आप बोलोगे सर स्किल डेवलपमेंट में मेरे कॉलेज में ऑटोकैड सिखाया गया था, दोस्त वो ऑटोकैड किसी काम का नहीं था। आपको एक्स रेफरेंस कमांड का यूज पता है, आपको पर्च कमांड का यूज पता है, आपको A3 पेपर का साइज पता है, आपको बिल्डिंग बाय लॉ पता है, रेरा पता है, नहीं पता है तो आप किस बात का ऑटोकैड सीखे हुए। आपने बोला सर मैंने स्टैट प्रो सीखा हुआ किसी XYZ प्लेस से, वहां पर मैंने 10,000 रुपए दे के स्टैट प्रो पूरा सीखा हुआ था। क्या सीखा था, कैसे उसके अंदर फ्रेम लगाते हैं, कैसे मॉडलिंग करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, इससे काम नहीं होगा। आपको बेस शियर कैलकुलेट करना आता है क्या, आपको विंड के कैलकुलेट विंड प्रेशर कैलकुलेट करना आता है क्या, आपको VV K1 K2 K3 के बारे में पता है क्या, आपको शियर फोर्स स्टैट प्रो में निकालना आता है क्या, नहीं आता है, और मैनुअली आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता है। तो दोस्त स्किल डेवलपमेंट का मतलब उसकी जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो कॉर्पोरेट बेस्ड होनी चाहिए। अब बोलो कि सर कॉर्पोरेट बेस्ड क्या होता है, कॉर्पोरेट बेस्ड मतलब जो आप सीख रहे हैं उनको लाइव प्रोजेक्ट पर करके दिखाइए, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, आप अगर स्टैट प्रो सीख रहे हैं तो स्टैट प्रो तो ठीक है, एक आपका टूल हो गया, ETF सीख रहे हैं आपका टूल हो गया, लेकिन उसके साथ ही साथ कंपनी को क्या चाहिए वो देखिए। मैं अभी डिस्कस करके वही बता देता हूं कि कंपनी को क्या चाहिए। याद रहे गाइस, जब जो भी आप स्किल डेवलपमेंट सीखें, जो भी उसकी ट्रेनिंग करें, उस ट्रेनिंग को आप, क्योंकि आप बोल रहे हैं सर मैंने स्टैट प्रो सीखा है, मैंने ETF सीखा हुआ, मैं कैसे मान लूं। पता नहीं कितने लोग आते हैं मुझे बोलते हैं मैंने सर सीखा हुआ है, तो उनको प्रूफ करने के लिए एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप करियर गैप को मेंटेन करना चाहते हैं तो ये 5 स्टेप्स अगर आप समझ लें तो आप बिलीव करिए आराम से अपने करियर गैप को मेंटेन कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। हाँ, इन राय चंद लोगों से मत पूछिएगा, ये गवर्नमेंट जॉब के चक्कर से बाहर निकलिए पहले तो। हाँ, कुछ लोग को बुरा लगेगा तो आप भाई हेड कमेंट कर सकते हैं, बट ये सच्चाई है। दूसरा, मिस गाइडेंस, ऐसे लोगों से राय मत लीजिए जो लोग उस चीज का कभी स्वाद ही नहीं लिए। तीसरी चीज गाइस, साइट इंजीनियरिंग, ठीक है, ये तो बिगनर्स लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो अभी जस्ट इंडस्ट्री में एंट्री किए हैं वो लोग ध्यान रखें, जिन्होंने ये गलती कर दी कोई बात नहीं, अब प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट लीजिए, प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग कैसी, लाइव प्रोजेक्ट्स पर पहले आप करिए, लाइव प्रोजेक्ट्स पर जब गेन करेंगे तो उसको पोर्टफोलियो में दिखाइए कि मैंने ये प्रोजेक्ट्स किया हुआ है। तो कोई भी इंसान, जब आप किसी को बोल, जैसे हम लोग गाइस अपने स्ट्रक्चर गुरुकुल में क्या करते हैं, आपने अगर वीडियो देखा हो हमारे स्ट्रक्चर गुरुकुल का, तो हम लोग पूरा स्टैट प्रो पर ETS पर लाइव प्रोजेक्ट कराते हैं, उनकी मैं प्रैक्टिस खुद करवाता हूँ और खुद ही प्रोजेक्ट को चेक करता हूँ, फिर मैं पोर्टफोलियो में उनको ऐड कराता हूँ। उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल गेन हो जाता है, बढ़ जाता है कॉन्फिडेंस लेवल। उसके साथ ही साथ गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है इन तीनों के अलावा, अब आपको, क्योंकि आपको क्या हो गया, स्किल डेवलपमेंट अच्छे ट्रेनिंग से, मतलब कॉर्पोरेट लेवल के ट्रेनिंग से काम हो गया, अब अपने पोर्टफोलियो भी तैयार कर लिया, अब नेटवर्क तैयार करना इस इंडस्ट्री में बहुत मायने रखता है गाइस। इसके लिए लिंक्डइन सबसे बेस्ट सोर्स है, जहां पर आप अपने प्रोफाइल को अपडेट करिए, जहां पर कंटिन्यू आप एक दूसरे से चैट करिए, उनसे डिस्कस करिए, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज के MNCs ओपनिंग निकल रही हैं उनके एम्प्लॉइज से बात करिए, वहां पर एम्प्लॉइज को सर्च करना है आपको। मैं बहुत जल्दी लिंक्डइन पे वीडियो बनाऊंगा, तो आप वहां पर एम्प्लॉइज से कैसे चैट कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा।
तो कुल मिला के नेटवर्किंग बनाइए एक बढ़िया सा, और लोगों से कनेक्ट रहिए, उनसे पूछिए आपके यहाँ अगर कोई ओपनिंग्स है, मेरे पास इन इन चीज़ों का नॉलेज है, मेरे पास, आप एक अच्छा सा एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनाइए, पोर्टफोलियो बनाइए और उनसे कनेक्ट होके जॉब के लिए अपनी मैसेज को करिए। देर आर बिग चांसेस कि वो लोग आपकी हेल्प करेंगे, वो लोग में चाहे मैं भी हो सकता हूँ और भी बहुत से लोग हो सकते हैं। तीसरी चीज गाइस, मतलब सॉरी पांचवी चीज, आपकी कोई भी बोलता है कि कहाँ एंट्री करना है, तो पहले देखिए एंट्री लेवल जॉब। आपका कैरियर गैप हो चुका है तो पहले आप एंट्री लेवल जॉब देखिए। एंट्री लेवल जॉब का मतलब होता है गाइस कि आपको स्टार्टिंग क्या चाहिए, स्टार्टिंग प्रोफाइल होनी चाहिए जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर, उसके लिए क्या क्या सीखना पड़ेगा, फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर उसके लिए क्या क्या सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए सिंपल सी रिक्वायरमेंट होती है गाइस। क्या होती है, आपको 10,000 चीजें नहीं सीखनी है, आपको कॉमन चीजें सीखनी है। क्या क्या सीखनी है मैं भी दिखा भी दूंगा आपको कि क्या क्या चीजें मार्केट को लगता है, ठीक है। आपके पास अगर आप स्ट्रक्चर में जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास ऑटो कैड का नॉलेज होना चाहिए, अभी प्रूफ भी दिखाऊंगा क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है। डिग्री में आपके पास बीटेक बी जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, उसमें से कुछ होना चाहिए। एमटेक है तो प्लस पॉइंट है, कोई बुराई नहीं है, इवन कुछ कंपनियों में लगता है, ठीक है। उसके बाद गए स्टैट प्रो का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आप बहुत बड़ी कंपनी के लिए खौफ देख रहे हैं तो आप ई टैप्स का नॉलेज ले लीजिए, ठीक है, ई टैप्स का नॉलेज ले लीजिए। आप और अच्छा बड़े कंपनी के लिए ना फुटिंग वगैरह, अगर मैट फुटिंग वगैरह यूज करते हैं वो लोग, तो वहां पर सेफ सॉफ्टवेयर, बस इतना ही कॉन्सेप्ट, इतना ही सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। इतना सॉफ्टवेयर आप स्ट्रक्चर में अच्छे सीख लीजिए अगर करियर गैप मेंटेन करना है। इसके साथ कुछ कॉन्सेप्ट लगते हैं गाइस, जैसे कि आईएस कोड, बढ़िया नॉलेज चाहिए आईएस कोड का, ठीक है जी। आईएस कोड का जो नॉलेज अच्छा रहता है तो प्लस पॉइंट रहता है आपके पास, ठीक है। उसमें कौन कौन से IS 1893, IS 456, मैं IS नहीं लिख रहा हूँ समझ जाइएगा, 875 के पांचों पार्ट्स, ठीक है, इनका तो नॉलेज मस्ट है, आपको अच्छे से आना आना चाहिए। उसके बाद इन सॉफ्टवेयर के साथ आपको सिस्मिक का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। क्या आना चाहिए, सिस्मिक एनालिसिस। अगर आप क्या कर रहे हैं, RCC स्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं तो स्टील स्ट्रक्चर की कंपनी के लिए आप अप्लाई करेंगे, विंड एनालिसिस का आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास डायनेमिक एनालिसिस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए अगर आप चाहते हैं, ठीक है, डायनेमिक एनालिसिस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। डायनेमिक एनालिसिस के बाद अगर आपके पास अच्छा नॉलेज हो तो स्टैटिक थोड़ा सा जान जाइए, स्टैटिक वैसे यही है, ये दोनों स्टैटिक ही है, ठीक है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद गाइस आपको सही तरीके से SFD BMD का नॉलेज होना चाहिए। सॉरी गाइस वही सब, ठीक है, SFD BMD, ठीक है, और डिफ्लेक्शन का आपको नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ पर कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, मैक्सिमम कितना डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, और रेनफोर्समेंट डिटेलिंग्स, रेनफोर्समेंट डिटेलिंग्स का नॉलेज होना चाहिए। इतनी चीजें अगर आपने पढ़ लिया आप आराम से स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का करियर बना सकते हैं गाइस, ये मेरी गारंटी है। अभी मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, चलिए डायरेक्ट गूगल पे चलते हैं और ओपनिंग्स देखते हैं, वहां पर उन्होंने क्या क्या पूछा हुआ है वो भी हम लोग सामने देखते हैं गाइस, ठीक है। चलिए तो आपके सामने हम लोग स्क्रीन खोलेंगे गाइस, ठीक है। मैंने वैसे एक स्ट्रक्चर का ब्रीफ वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा गाइस कहाँ पर है वो वीडियो। ये है कंप्लीट गाइडेंस करके स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का है, ये ऑल अबाउट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, इसमें आपको बहुत ब्रीफ में मैंने बताया हुआ है। फिलहाल अभी जो मैंने आपको स्किल दिखाया, चलो उसका प्रूफ देखते हैं, उसका प्रूफ क्या है गाइस। जॉब्स इन कहीं पर भी ले लीजिए, ठीक है, चलिए हम ले देते हैं मुंबई के लिए, ठीक है। अब देखिए मुंबई में जो भी ओपनिंग्स है आपके सामने दिखेंगी, ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि अभी देखिए जूनियर स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर की ओपनिंग्स है, किसके यहाँ पर है, वकील मेहता सेठ करके कंसल्टेंट है उनके यहाँ पर है। उनको क्या चाहिए गाइस, जो मैंने आपको बताया, क्या चाहिए उनको, ईटीएफ चाहिए, अभी अभी मैंने आपको दिखाया कि ईटीएफ की जरूरत है। क्या चाहिए, सेफ चाहिए, उनको अभी भी मैंने बताया कि सेफ सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। RCDC डिटेलिंग के लिए होती है, ठीक है, अगर आप मेरे इस वीडियो में देखेंगे तो मैंने RCDC बता रखा है कि RCDC की आपको जरूरत पड़ती है कुछ कंपनियों में, और उसके बाद SAP 2000, उसके बाद स्टैट प्रो। अगर आपको स्टैट प्रो सेफ और ईटीएफ भी आ रहा है 100%, ये आपको रखने वाले हैं अगर आपने अच्छे तरीके से पोर्टफोलियो बनाया है। इनके यहाँ भेज दीजिए, कब भेजना है, मॉर्निंग में 7 to 9 के बीच भेज दीजिए। देर आर बिग पॉसिबिलिटीज का आपका पोर्टफोलियो में अगर दम होगा जो मैंने अभी बताया था, 100% शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी, ठीक है जी। अब देख लीजिए इनके सामने, इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है, मैंने आपको दिखा दिया सब कुछ। अब नेक्स्ट ओपनिंग देख लीजिए, ठीक है, मैं बिल्डिंग्स का दिखाऊंगा क्योंकि मैंने अभी बिल्डिंग्स के बारे में पूरा का पूरा आपको बताया हुआ है, तो जो बिल्डिंग्स ओपनिंग्स है हम लोग उसी में देखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देख लीजिए, कई लोग बोलते हैं ना कि सर मुझे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग
के लिए क्या एमटेक करना कंपलसरी है दोस्त, देख लो बी सिविल इंजीनियरिंग लिखा है क्या, ठीक है, किस प्रोफाइल के लिए, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग प्रोफाइल के लिए लिखा है क्या, ठीक है, आपके सामने है, मैंने कुछ नहीं किया। आपको क्या क्या चाहिए गाइस, ईटैप चाहिए लिखा है क्या, ईटैप के बाद रेबिट चाहिए, ठीक, सॉरी ईटैप के बाद स्टेटकोड चाहिए आपके सामने लिखा है क्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये आपको सीखा हुआ। उसके बाद अगर आपने ऑटोकैड सीखा हुआ है तो कंपलसरी ही है, उसके बाद रेबिट स्ट्रक्चर आपने सीखा तो आपके पास प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इन कंपनी में आपके सामने रिक्वायरमेंट दिख रही है और आप देख सकते हैं नेक्स्ट और भी ओपनिंग्स देख लीजिएगा इस, आपको और भी पता चल जाएगा। ये देखिए डीजीसी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, ठीक है, इनको क्या चाहिए देख लीजिए भाई, इनको चाहिए कैट टेक्नीशियन का भी काम करना है, मतलब स्ट्रक्चरल डिटेलिंग का भी काम होगा, उसके साथ साथ इन्होंने देखिए इनको क्या चाहिए, ईटीएफ चाहिए, सीएफ चाहिए और एमएस ऑफिस चाहिए। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि बीटेक चाहिए मुझे, एमटेक चाहिए, मतलब मुझे दोनों ही चलेंगे वैसा, मुझे बस ये नॉलेज से मतलब है। तो ये याद रखिए जितना आपको मैंने बताया ये पूरा सफिशियंट है। ये देख लीजिए एईकॉम एमएनसी है, आपको अगर पता हो तो एईकॉम बहुत बड़ी कंपनी है गाइस, ठीक है। अब इनके यहाँ पर इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, बी इन सिविल इंजीनियरिंग लिखा है क्या, ठीक है, पहली बात तो क्लियर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इनको क्या चाहिए, स्ट्रक्चर, ये बीम का और स्ट्रक्चर का इनका मिक्स काम है, तो उसके बेस पर इनका कैरियर का पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन इन्होंने दे रखा है। कुल मिला के मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया कि अगर आप इतनी चीजों को सीख लेते हैं आराम से आप स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर कैरियर बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपके पास 4 महीने का समय है, आपका जो न्यू स्ट्रक्चर का बैच है 25 जुलाई से चल रहा है, जिसमें मैंने कंप्लीट ये सब ब्रीफ में, इसके अलावा और भी इसमें है, ये तो मैंने जो जो बहुत मैंने वो मैंने दिखाया, इसके अलावा उस सॉफ्टवेयर उसके अंदर क्या है आपको आरसीडीसी है, ठीक है, उसके अलावा उसके अंदर क्या है गाइस रैपिड भी है, जो आपने उधर देखा ना ओपनिंग, सारे के सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सब इंक्लूड है। ये पूरी ट्रेनिंग आपकी 4 मंथ की चलती है जो कि बहुत डेप्थ में होती है विथ सॉफ्टवेयर। तो अगर आप अच्छे स्किल डेवलप करना चाहते हैं, अच्छा कॉर्पोरेट लेवल की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, नेटवर्किंग कैसे करना है ये सब सीखना चाहते हैं, और एंट्री लेवल की जॉब में कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्रैक करना है, तो गुरुकुल के बारे में आप डेप्थ में जानेंगे तो शायद आपके लिए बेहतर होगा। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप गुरुकुल का सिलेबस ले लीजिए, ठीक है, जो कि फुली फुली फ्री ऑफ चार्ज है। उसके बाद ट्रेनिंग जो है बहुत नॉमिनल फी के साथ है, 20,000 4 मंथ की पूरी इंटर्नशिप कवर हो जाती है इसमें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे घर बैठे आप सीख सकते हैं वो भी अपने जॉब के साथ। चलिए जी, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि जो आपने करियर गैप की मिस्टेक्स किया था उन मिस्टेक्स को कैसे हम लोग सही कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन होगा तो भी पूछना। चलिए जय हिंद जय भारत।